सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कुर्ता पट्टी और कॉलर, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस हिसाब से फिनिशिंग में आप ये लगा सकते हैं, बहुत ही आसान से। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अब बताते हैं आपको किस क्या करना पड़ेगा। ये हमारा बैक पल्ला है, हम इसको रखते हैं, और ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है, हम फ्रंट वाले पल्ले को इस हिसाब से खोलेंगे। खोलने के बाद हमारा जो काम होगा, सबसे पहले ये देखिए, जो हम यहाँ पे कुर्ता पट्टी में एक यहाँ पर 3 इंच, ठीक है, और एक ये 3 इंच यहाँ पर निशान लगा लें। निशान लगा के आप इसको जो काटेंगे तो आपका इस हिसाब से आएगा। देखिए देखिए, आपका इस हिसाब से ही आएगा जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, इस हिसाब से निशान लगा लेंगे और आप इसको काटेंगे। ये आपका कट गया आला। अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से इंच रेल की मदद से कम 9 इंच के आसपास, या जितना आपको तावीज रखना है उससे हल्का सा कम रख लें, क्योंकि जितना आपको तावीज लेना है उस हिसाब से यहाँ पे रख लें। जैसे मैं इसमें तावीज रखूंगा 10 इंच के आसपास, वैसे ज़्यादातर यही चलता है। तो आप ऊपर से आला काटने का 9 इंच पे निशान लगा लें, और जो ये हमारी सेंटर वाली क्रीज है, आप इस क्रीज को एक निशान इधर लगा लें, क्योंकि हमारा जो कैंची आएगी इस हिसाब से आएगी। अब इसे आप घुमाएं और यहाँ से आप सेंटर में एक कट लगा दें। ये हमने कट लगा दिया, तो आप देखेंगे कि ये हमारा खोलने के बाद इस हिसाब से हमारा ये कट हो जाएगा। हम यहाँ पर लगाएंगे अपनी एक जो पट्टी लगती है, कुर्ता पट्टी जिसको हम कहेंगे, ये हमारे यहाँ पे कुर्ता पट्टी लगेगी। कुर्ता पट्टी के लिए हम क्या करेंगे, खोलने के बाद जब पीस हमारा ये सीधा है, सीधे वाले में ये जो हमारी ये वाला साइड आएगा, इस साइड में हम लगाएंगे बटन टेक। बटन टेक के लिए हम ये वाला कपड़ा लेंगे, सेम कपड़े को हम एक अंदाजे से काट लेंगे, इतनी चौड़ी काट लेंगे, ठीक है। आप उसको ये जो कट है हमारा, ये ध्यान से आप देखिए, क्योंकि हमें फिनिशिंग देनी होगी। इस कट पे हम कपड़े को इस हिसाब से रखेंगे, ये आप देखिए, ठीक है। और कम से कम इसमें मार्जिन लेना उतना जितना कि आप जितनी पतली जैसे पट्टी आप लगा रहे हो 1 इंच, तो यहाँ पे 1/2 इंच का दबाव आना चाहिए। तो मैं 1 इंच पट्टी लगाऊंगा तो यहाँ पर 1/2 इंच का दबाव लूंगा। तो ये देखिए, जब हम इसको इस हिसाब से लगा लेंगे, फिर इसे खोलेंगे और एक नाखून लगाएंगे इस हिसाब से। अब हम जब नाखून लगा लेंगे, नाखून लगाने का नाम इसको ऐसे करके एक सिलाई लगाएंगे। अगर हमारी किनारी नहीं है तो, किनारी होगी तो लगानी जरूरत नहीं, किनारी नहीं तो पहले एक सिलाई ये लगाएंगे। जब ये हमारी सिलाई लग जाएगी तो हमने जो नाखून लगाया था सीधी वाली तरफ से, आप इसको अब इस हिसाब से पलट दें। देखिए पट्टी बन के आ गई। इस हिसाब से पलटने के बाद आप यहाँ पर एक सिलाई लगा लें। ये देखिए, ये हमने इस हिसाब से लगा लिया। अब आप इसको भी इस हिसाब से लगा लें, एक पैर की सिलाई मार लें यहाँ पर। जब आप यहाँ पे पैर की सिलाई मार लेंगे तो यहाँ जो आला था हम इसको थोड़ा बढ़ा के ही हल्का सा इस हिसाब से काटेंगे, ज़्यादा राउंड नहीं करेंगे, बाकी ये एंड में कटेगा हमारा सेटिंग होके, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ धागे थे, हम इस धागे को काट लेंगे। अब ये हमारा हो गया, तो अब हम इसमें लगाएंगे इसकी सलवार की पट्टी। सलवार की पट्टी हमारी ऑरेंज कलर की, ये हमारा ऑरेंज कलर की पट्टी आ गई। अब हम इसमें जो पट्टी लगाएंगे वो लगाएंगे 1 इंच की, क्योंकि हमने 1/2 इंच दबाव लिया था उसके अंदर, तो हम इसके लिए कपड़ा फालतू काट लेते हैं इतना। और साथ में ये भी ध्यान रखना है किस साइड में लगाना है, तो हम उस साइड का ध्यान रखने के बाद, जैसे 1 इंच ही हो गया, इंची टेप से आप नाप लें, 1 इंच हो गया हमारा, तो हम इसको इस हिसाब से करने के बाद एक फोल्ड और देंगे और इस साइड में कच्चा मारेंगे। ग्रीन धागे से लगा रहा हूँ जिससे कि आप देख भी पाएं। और इसके बाद आप यहाँ पर यहाँ भी 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन छाट लें, क्योंकि वहाँ भी आपने 1/2 इंच दबाया था, यहाँ भी 1/2 इंच दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। अब हम इसको लगाएंगे, लगाने से पहले हम इसका धागा चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जो काम करना होगा वो काम करना होगा, जो हमने इस हिसाब से हमने एक पट्टी ली थी, यहाँ कच्चा लगाया, तो यहाँ पे हमें एक लपकी सिलाई पहले मारनी होगी। जब हम इसको इस हिसाब से एक सिलाई लगा लेंगे, अब हम इसको पट्टी को ऐसे रखेंगे, और ध्यान रखना जो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ये हमारा सीधे वाला हिस्सा है,
मैंने आपको बताया था निशान लगा जो हमारा सीधा हिस्सा है, हम इसको इस साइड पे पट्टी लगाएंगे। तो हम पट्टी को, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो निशान लगा रखा है मैंने, हम इसको क्या करेंगे, इस पट्टी को इस हिसाब से पकड़ेंगे, इस पट्टी को ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे आधा इंच की। अब जो हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे वो यहाँ पे जो कट है हम यहाँ पे कट पे लाके पक्का कर देंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पक्का करने के बाद हम इसको धागे को काटें और जो भी हमारा फालतू कपड़ा ये नज़र आ रहा था हम इसको कट के बराबर से इस हिसाब से काटेंगे और नीचे तक हम सीधा करके काट देंगे जो कि हमारा ये दब जाएगा ताबीज में। अब हम इसकी अब इसको एक नाखून लगा लेंगे ऐसे करके, ये हमारा नाखून लग के बैठ गया देखिए पीछे की तरफ से भी। अब हम इस पर एक लब की सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी पट्टी जम जाएगी। पहले तो आपका ये जो कट है आप इसी का ध्यान रखेंगे, इसमें ये हमारा जो कट है कट के कम से कम आधा इंच ऊपर हम आधा इंच ऊपर तक सिलाई रोकेंगे। तो हम यहाँ कट के पास से ये देखिए इस हिसाब से आधा इंच पे उंगली रख के यहाँ पे हम रोक लेंगे, फिर हम इसको इस हिसाब से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद अब जो हमारा ये तावीज़ होगा ये तावीज़ को हम इस हिसाब से इसे बिठाएंगे जिससे कि झोल भी ना पड़े और बिल्कुल ओके बैठ जाए। तो हम ये तावीज़ को बराबर से देखेंगे जिससे कि इसका आला वगैरह सब ओके बैठ जाए, झोल ना पड़े। ये जब हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा तब हम यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल इस टाइम ओके है, हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे सीधी। सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हमें जितना नीचे हमें तावीज़ देना है उस हिसाब से हम काट लेंगे, मुड़ेगा भी थोड़ा, ये जितना भी आपको रखना है वो आप अपने हिसाब से देखेंगे और आपको जैसी भी शेप देनी है, मान लीजिए तिरछी शेप देनी है, सीधी शेप देनी है, उस हिसाब से। अगर आपको तिरछी शेप देनी है तो आप इस हिसाब से रखें, चलो तिरछी में निकाल के दिखा देता हूँ। सीधी शेप देनी है तो आप इस हिसाब से मोड़ लेंगे तो ये आपकी सीधी शेप हो गई। आपको लंबाई यहाँ से कितनी रखनी वो आप देख लेना, ठीक है। अगर हम तिरछी शेप देते हैं तो तिरछी शेप के लिए मैं इस हिसाब से लूँगा, ये देखिए एक पहले ऐसे कर लें, दूसरे वाले को आप इस हिसाब से मिला लेंगे तो ये हमारी तावीज वाली शेप आ गई। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर से एकदम बराबर करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे, ये हमारा बिल्कुल बराबर बैठ गया, हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम एक पैर की और सिलाई लगा देंगे और पक्का करके हम इसको उतार देंगे। अब इसका धागा काटेंगे, ये अभी हमारे यहाँ पर उल्टा पट्टी बन चुकी है। इसके बाद जो हमारा ये ग्रीन धागा हम इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद हम इसका सबसे पहले अब इसका आला काट लेते हैं। तो आला काटने के लिए हम इसको, ये हमारा ओके था, अब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये देखिए पट्टी है ना, पट्टी को ऐसे रखें और इस हिसाब से रखेंगे आप। रखने के बाद जो आला कटेगा इस शेप में कटेगा ऐसे करके, ये कटेगा, ये देखिए मिल के आ गया, ये हमारा वाला कट चुका है जिससे कि हम जब बनाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही से बैठ के आएगा। तो इसको बिल्कुल सफाई से आप सेट कर लेंगे ये हमारा। अब इसको हम सिलाई को खोल के धागा चेंज करके इसकी कंधी जोड़ के दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हम इसकी कंधी जोड़ेंगे, ये हमारा बैक वाला साइड है और ये हमारा उल्टा, हम इसको खोलेंगे तो हमारा ये अब सीधा हिस्सा हो गया। हम इसके पल्ले को, फ्रंट वाले पल्ले को इस हिसाब से रखेंगे और रखने के बाद हम इसको इस इधर से बराबर करके जोड़ेंगे। तो दोस्तों जब एक सिलाई आप लगा लेंगे उसके बाद यह कंधी पे यहाँ पे आप पक्का करके चलेंगे। जब आप इसको इस हिसाब से कर लेंगे तो ये जो हमारी गोल, ये जो फालतू कपड़ा है हम इसको हल्का हल्का सा छांट लेंगे। अब हमारा जो मेन काम होगा वो हमारा आला नापने का होगा, तो हम इसको इस हिसाब से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हम इसको एक सेंटर में कट दे देंगे पहले, और अब हम इसका आला नापेंगे और इसके बाद हम बैंड चढ़ाएंगे काटने के बाद। तो हम सबसे पहले आला नापेंगे, हम इस हिसाब से पकड़ के आला नापते, तो हमारा ये आला आ रहा है हमारा जैसे आ रहा है ये 8.5 इंच, एक सूत कम है ना, तो हम 8.5 यानी 16.5 इंच का कॉलर काटेंगे। तो ये हमारा हल्का खींच के लगाएंगे तो ओके बैठ जाएगा। तो हम कॉलर कैसे काटते हैं लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम बैंड काटेंगे, बैंड काटने के लिए आपको बता दूँ ये पेपर पेस्टिंग लिए मैंने, आप बुकरम भी ले सकते हैं और इस हिसाब से हम
ये अंदर वाली हमारी साइड है, हम इसको बराबर से मिला लेंगे। जैसे जब हम इसको इस हिसाब से मिला लेंगे तो हमारा काम होगा। सबसे पहले आपको बता दें कम से कम 3 इंच के आसपास तो हमें सीधा लेना है, उसके बाद हमारा निशान इस हिसाब से जाएगा। कुछ आपको मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, आप एक निशान लगा लें सीधा 3 इंच के बाद। हम यहाँ पर कम से कम 2.25 इंच के आसपास आप इसको राउंड लेते हुए चले जाएं, थोड़ा ऊपर भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से 8.25 इंच हमारा, तो हम इस हिसाब से हम नापेंगे 8.25 इंच कहाँ पर आएगा। तो यह बिल्कुल ओके आ रहा है, इस हिसाब से गोलाई में ही हमें इंची टेप रख के नापना होगा। तो 8.25 इंच तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और हम पहले इसको काटेंगे, फालतू वाले को भी हम काट देते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। इसको हटा देते हैं। अभी जो हमारा कॉलर है, हम कॉलर को इस हिसाब से काटते हुए लाएंगे। ये देखिए पूरी गोलाई में निशान एक अंदाजे के लिए होता है, नीचे का गोलाई फिर आप अपने हिसाब से दे दें। जब आप ये काट लेंगे तो एक बार इंची टेप और रखेंगे और नापेंगे अच्छी तरीके से कि बिल्कुल ओके है। जब आपका ओके निशान लग गया तो ये हमारा ओके निशान बैठा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेन की मदद से या तो आप एक पैटर्न काट के रख लें जिससे कि आपको बार बार नापने की जरूरत ना पड़े, पैटर्न काट लें, क्योंकि मेरे को तो आपको दिखाना है और ये भी बताना है कि किस हिसाब से कटता है। तो आप एक पैटर्न काट लें इसका, जब बिल्कुल ओके कोई कॉलर बन जाए तो आप उसी पैटर्न के हिसाब से आप रख के काट लें आपको बार बार। बस आपका जो साइज 19-20 होगा तो आप यहाँ से 19-20 कर सकते हैं, बाकी आप पैटर्न काट लें। अब जैसे हमारी पट्टी की चौड़ाई थी 1 इंच, तो हम 1 इंच चौड़ा कॉलर लगाएंगे, 1 इंच पर इस हिसाब से निशान लगाते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमने इस हिसाब से पूरे पैन से निशान लगा लिए 1 इंच की गैपिंग में। अब हम इसको काटेंगे, तो सबसे पहले फालतू का उसको काट के अब हम निशान पे काट देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने ये काट दिया, तो हमारा काटने का ये सेफ आएगी इस हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ये तो हमने काट लिया, अब जो हमने कॉलर नापा था जहाँ पे हमारा निशान लगाया, हम वहाँ से एक सेफ दे देंगे गोलाई में। ये देखिए, और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ इसके अंदर, जैसे कि हमने ये नापा 16.5 इंच, तो अगर किसी को बंद पहनना है बिल्कुल गले गले पे बिल्कुल बंद चाहिए, तो आप अपने मतलब गले नापने के बाद भी ये कॉलर की लंबाई रख दें और आले को बैक साइड से छांट सकते हैं, जिससे कि आला फ्रंट में उतना ही छटेगा 3 इंच, लेकिन बैक साइड से हल्की राउंड करके उसको बढ़ा के काट सकते हैं। तो ये हमने कॉलर काट लिया, अब हम इसे कॉलर को पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमने जमा लिए अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से जमे कैसे पता चलेगा, तो जो हमारी पेस्टिंग होती है उसमें से हमें कपड़े का कलर दिखने लग जाता है। जब ये कलर दिखने लग जाए तो आप समझ लो अच्छी तरीके से चिपक गई। और साथ में आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो मेरे साथ भी हो चुकी है और आपके साथ भी होती होगी, कभी भी पेस्टिंग पे कोई भी पेस्टिंग चिपकाएं, ज़्यादा गर्म प्रेस ना मारें, सिर्फ इतनी मारें कि कपड़ा चिपक जाए। ज़्यादा गर्म प्रेस मारेंगे तो ये पेस्टिंग है सुकड़ भी सकती है, आपका वैन जो काटिंग ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और बहुत ही मतलब सफाई से और उतनी ही गर्म प्रेस लें जितनी कि हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप अदर पेस्टिंग पे थोड़े कपड़े पे लगा के देख सकते हैं कि उसकी प्रेस की गर्म मतलब जो गर्म है वो ओके है या कैसी है। तो दोस्तों ये हमने जमा लिया, अब इसको मशीन में बताएंगे कि कैसे बनता है। तो दोस्तों ये हमने पेस्टिंग कर लिया, अब हम इसका कॉलर को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो आप इसी हिसाब से चारों तरफ से कपड़े को छाट लें, और जो हमारी नीचे गोलाई वाली हिस्सा है हम इसको इस हिसाब से करेंगे और एक इसकी लब पे सिलाई लगा लेंगे। लब का होता है जो हम गिल्लू किनारे पे सिलाई लगाते हैं उसको हम लब की सिलाई कहते हैं। तो आप एक सिलाई लब की लगा लें बढ़िया सफाई से। तो देखिए दोस्तों ये हमने पहले इस हिसाब से लब की सिलाई लगा लिया, अब हम इसको एक एक पैर का मार्जिन छोड़ के इस कपड़े को काट लेंगे। तो ये देखिए हमने एक एक पैर के मार्जिन से इस कपड़े को काट लिया, और नीचे की सिलाई भी का भी आप ध्यान रखेंगे कि खराब ना है, क्योंकि हमारी ऊपर दिखेगी। अब हम एक कपड़ा लेंगे और उस कपड़े को ऐसे रखेंगे, और कॉलर को यूं रखने के बाद अब ये कॉलर कैसे चढ़ेगा फिनिशिंग में, वो चीज़ आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत मेन है आपके लिए। जो नए हों जिन्होंने पहले वीडियो देखे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस हिसाब से, और जो सिलाई लगेगी अब हमारी कपड़े पे लगेगी बुकरम से हटके, बिल्कुल जड़ में मत मारो, हल्की सी हटा के मारो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ पास से।
और अब यहाँ से हम सीधी उतार देंगे सिलाई। अब इसमें सबसे पहले जो हमारा काम होगा, नीचे वाली साइड से हम एक एक पैर के मार्जिन से जितना हम दबाव लेंगे कॉलर में उतना हम इसको काट लेते हैं। जब हम ये चीज काट लेंगे तो हम यहाँ से भी एक एक पैर के मार्जिन से पूरे कॉलर को काट लेंगे। जब हम ये काट लेंगे तो हम इस गोलाई में हल्के हल्के कट लगाएंगे। ये कट लग गए, हमारा कॉलर कट गया। हमारा लास्ट काम है, हम इसको इस हिसाब से करने के बाद एक सेंटर में कट लगा लेंगे, जो कि हमने कमीज में भी लगाया था, जिससे हमें ये पता रहेगा कि ये सेंटर का हिस्सा है। अब हम कमीज लेंगे और कमीज जो हमारा कॉलर चढ़ेगा हमारा, ये हमारा सीधा हिस्सा है कॉलर हमारा। ये देखिए, ये मैंने कंधी जोड़ रखी है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड से हम स्टार्ट करेंगे, मैं निशान लगा रहा हूँ, ये हमारी उल्टी साइड है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो कॉलर होगा हम इसको इस हिसाब से लेंगे, लेने के बाद हम इसको ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद जो हमारा ये वाला हिस्सा होगा, ये हमारा उल्टी तरफ से हम इतना कपड़ा देखिए फालतू, आधा इंच का फालतू निकालने के बाद हम इसको एक पैर का जितना हमने मार्जिन काटा था फालतू, उतना कपड़ा फालतू निकाल लेंगे अब यहाँ से, और इसको हम जोड़ेंगे। और जो हम जोड़ेंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो हमारा ये सेंटर वाला कुटका है वो हमारा इस वाला, ये जो कमीज का सेंटर वाला कुटका, इससे मिलके आ जाए। अगर ये इससे मिलके आ जाएगा तो ओके चढ़ाए कॉलर, वरना खोल के दोबारा चढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा कुटका बराबर मिलके आ गया, हम इसको चढ़ाते हुए ले जाएंगे। और ये देखिए, जितना आपने वहाँ कपड़ा निकाला था हम यहाँ भी इतना इतना फालतू निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि अब हम जो जोड़ेंगे कॉलर, ये देखिए, हम कॉलर को इस हिसाब से रखेंगे जो कि हमारी फिनिशिंग बैठेगी। तो अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से, जो हमारी अधूरी हमने खाली हिस्सा छोड़ा था। ये देखिए, जब ये सिलाई लगा लेंगे हम, तो आप देखेंगे इसको हम जब उल्टा करेंगे इस हिसाब से, तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल फ्लैश होल, बिल्कुल यहाँ से हमारी फिनिशिंग बैठ गई। कई लोगों के यहाँ से फिनिशिंग नहीं बैठती, जैसे हमने ये करा हम दूसरी तरफ भी वैसे ही कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दूसरी तरफ भी कर लिया, अब हम इसको पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सारा जो भी हमारा गंद है, किसी भी चीज़ की मदद से हम इसको अंदर की तरफ करेंगे। अंदर की तरफ करने के बाद हम इसकी लेफ्ट की तरफ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा बिल्कुल फ्रेश बैठा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस हिसाब से आप इसको अंदर कर देंगे मार्जिन इसका। तो आप देखेंगे यहाँ भी हमारा बिल्कुल ओके बैठ चुका है। अब यहाँ पे लगाने के बाद आप इसको सुई को इसको पूरे में गोलाई में इसको सिलाई लगा लेंगे। अब आप यहाँ पे इसको एंड कर दें, इसके धागे फिनिशिंग से काट दें, क्योंकि कॉलर की एक यही जगह होती है जहाँ पे हमें फिनिशिंग दिखानी होती है। इसका धागा हम काटेंगे, ये तो देखिए हमारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग से हमारा ये कॉलर लग चुका है। ये देखिए उल्टी तरफ से भी हम, ये हमारा इस हिसाब से हमारा कॉलर बढ़िया तरीके से कट गया और चढ़ चुका है। अब हम आपको इसको काउंटर पर दिखाते हैं, इसको बाकी काम इसमें क्या रह गया। तो दोस्तों देखिए, ये कितने आराम से हमारा ये कॉलर बैठ चुका है, और ये हमारा नीचे हमारी जो पट्टी है यहाँ पे हम आई बनाएंगे, और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे, इस पट्टी में हम हुक लगाएंगे। वो हुक हमारे इस हिसाब से लगने के बाद ये हमारा इस हिसाब से देखेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, आप कभी भी लगाएंगे तो पट्टी और इस पट्टी और कॉलर की चौड़ाई एक बराबर रखें, ठीक है। और उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ये ज़रूर लगता है, ये लग के इसकी गैटअप बढ़ती है, आप इस हिसाब से आप इसमें बटन लगा सकते हैं। आप इसमें ये बटन लगाएंगे तो ये देखिए गले की रौनक बढ़ जाएगी। आप इस हिसाब से इसमें कपड़े के मड़े हुए बटन बना सकते हैं। और ये बटन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, अपने घर पे मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसकी मशीन नहीं हो किसी के पास, उस बिना मशीन के भी आप बना सकते हैं, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देखिए दोस्तों, इस हिसाब से बनाने के बाद ये हमारा कॉलर बन चुका है। इसको हम कहते हैं चाइनीज कॉलर की तरह लगा है, लेकिन इसे हम कुर्ता पट्टी वाला कॉलर कहते हैं। ये हमारी कुर्ता पट्टी हो गई, ये हमारा वैन चढ़ गया।
तो बहुत तरीके के होते हैं दोस्तों, तो इस हिसाब से हम बना सकते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।